सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। सो गाइस, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है बेसिकली नीट 2024 के लिए और बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड में हैं कि हम क्या करें, बिकॉज ऑलमोस्ट जितनी भी कोचिंग है लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, वहाँ 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मई में अपना पेपर है और बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमें कुछ आप ऐसा कुछ बताएं कि जिससे हम हमारे मार्क्स एक्सेल हो जाएं। तो देखो, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, सॉल्यूशन है, वो है आप जितना हो सके जो रटने की चीज़ें हैं जो आप भूल रहे हो बार बार, उसकी निमोनिक्स बना लो या उनके सिंपल ट्रिक्स बना लो, जिससे क्या होगा आपकी वो चीज़ आपको रिटेन रहेगी और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर वो चीज़ बिल्कुल क्लियर रहेगी कि अच्छा ये वाली ट्रिक लगानी है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, और ये वाली ट्रिक लगानी है ये क्वेश्चन आएगा तो। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, पेपर के एग्ज़ाम के टाइम पे इतना कंफ्यूजिंग हो जाता था कि बिकॉज दोनों ऑप्शन एक जैसे लगते थे, फिर मैं कॉन्सेप्ट लगाने बैठ जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता। तो इसके लिए फिर मैंने यही रास्ता अपनाया कि मैं सिर्फ ट्रिक्स बनाने लगा, जो भी मुझे लगता कि ये कंफ्यूजिंग है और जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं उनके लिए ट्रिक्स बना लो, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजिंग पैदा ही नहीं करे, क्योंकि ट्रिक्स है तो ट्रिक्स से मुझे सीधा याद रहेगा और मैं डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस में कर देता था। तो यही मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, जो भी मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे जो भी मैंने ट्रिक्स यूज़ करी थी एनसीईआरटी के अंदर, तो वही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इसके अंदर लिख रखी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट होता है अपना टाइम बचाना, तो वो आपका टाइम बचेगा और अब उस टाइम को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सिर्फ आपके लिए मैं ये सारी मेहनत करता हूँ, आपके लिए ही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड अगर आपको कुछ पर्सनल 1-to-1 मुझसे बात करनी है या मुझसे इंटरेक्शन कुछ चाहते हो, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टा पे @medicopathan। मैं आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड चलते हैं अपन डायरेक्ट ट्रिक्स के ऊपर। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फ्रीक्वेंट पूछने वाला क्वेश्चन है जिसका नाम है प्लेसेंटेशन। आप मान के चलो कि इस पे 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में, बिकॉज ये क्वेश्चन एक ऐसा है, इस पे बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक सबसे पहला सिंपल MCQ के भाई किस में क्या होता है, दूसरा मैच द फॉलोइंग के भाई किसके अंदर क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला डायग्राम किसको शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम किसको शो कर रहा है, ये वाला डायग्राम किसको शो कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है। एक क्वेश्चन क्या बनता है, आपको ये नाम दे देगा और नाम दे के बाद आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो ऐसे करके इसके मल्टीपल क्वेश्चन है और आप यकीन करना, ये मैंने इतनी बार हर डिफरेंट जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसके अंदर मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और हर बार ये क्वेश्चन आता है। अगर आपने ये जो मेरी ट्रिक समझ ली और कर ली अच्छे से, दो बार आपने इसको वीडियो को देख लिया, आपको बिल्कुल भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो चलते हैं वीडियो को समझते हैं अच्छे से कि क्या ट्रिक्स हैं, कैसे आपको याद करनी है, और डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करने वाली है वीडियो। चलो सबसे पहला है एग्जाइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एग्जाइल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर आपको सबसे पहले चेक करना है कि एग्जाइल कौन सा है। तो देखो, ये जो तीन है ना, ये एग्जाइल प्रेजेंटेशन होता है, इसे कहते हैं एग्जाइल प्रेजेंटेशन। आपको डायग्राम अच्छे से समझना है, फिर आपको ट्रिक समझनी है। तो एग्जाइल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, इसकी ट्रिक है सोमाली। सोमाली एक लड़की का नाम है, सोमाली, ठीक है। तो सो से है सोलेनेसी, माँ से है मालवेसी, ली से है लीलिएसी, समझ गए। अब आपको इनके एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद होने चाहिए कि भाई मालवेसी के अंदर चाइना रोज फैमिली आती है, चाइना रोज, ओके। सोलेनेसी के अंदर आलू आता है, पोटेटो आते हैं, ये लीलिएसी फ्लावर आते हैं। तो ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि भाई किस किस के अंदर एग्जाइल प्रेजेंटेशन मिलता है। तो आप मान के चलो कि आपकी हर फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट अपन को एग्जाइल मिलता है जो नीट के अंदर है, सिवाय ब्रेसिकेसी के, ठीक है ना। फ्री सेंट्रल देखो आप कौन सी है, ये फ्री सेंट्रल है, सेंट्रल के अंदर फ्री है, देखो ये फ्री नहीं है, ये छुपकी हुई है, पर ये सेंट्रल में फ्री है, इसीलिए इसका नाम है फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल की ट्रिक है फ्री डीपी, मतलब जो सोमाली है वो फ्री डीपी, डीपी लगाती जो कि फ्री में लगाती है, अपनी जो भी डीपी होती है ना, तो अपन बोलते हैं फोटो लगाते हैं अपन व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, तो वो से डीपी कहते हैं। तो फ्री डीपी, डी से है डायंथस और पी से है प्रिमरोज, ओके। तो फ्री डीपी, ये ट्रिक कंप्लीट। इसके बाद तीसरी है, उसका नाम है पेराइटल। तो देखो आपका पेराइटल आपको पता होना चाहिए, ये आपकी पेराइटल डेफिनेशन है, ये पेराइटल है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मैप यानी मानचित्र जो बोलते हैं अपन। तो इसकी ट्रिक है मस्टर्ड, एम से मस्टर्ड, ए से आर्जिमोन, पी से पेराइटल। तो ये याद करने का इजी रहेगा कि मस्टर्ड, आर्जिमोन, पेराइटल, ओके। नाउ इसके बाद आपकी है मार्जिनल। अब देखो मार्जिनल से ही नाम से हमें समझ में आ रहा है कि बस एक मार्जिन पे होने चाहिए ये,
प्लेसेंटेशन जो है वो एक मार्जिन पर होनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका पी, ये आपका एक ही एग्जांपल है सिंगल जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए इसका सिर्फ आपको पी याद करना है, इसीलिए सिर्फ पी है। और बेसल, बेसल का याद करने का तरीका है सैम, एस ए एम सैम, एस से है सनफ्लावर, एम से है मैरीगोल्ड, तो ये दोनों फ्लावर हैं जो कि बेसल प्रेजेंटेशन शो करते हैं, इसीलिए इसको बोला है सेम। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल मैंने आपको समझा दी है। इसके आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले आँख बंद करके पहले याद करो एग्जाइल कौन सा है, इससे बंद करके ये पूछो कि ये वाला कौन सा है, ये डायग्राम समझो, अच्छे से डायग्राम कर लो, क्योंकि डायग्राम तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज दे लो। और ये मैंने ट्रस्टेड, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्फिडेंटली सही करके आओगे, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो टुडेज वीडियो। पसंद आए वीडियो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं सब चीज़ें बना रहा हूँ। तो आपसे बस मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये ट्रिक बहुत हेल्प करने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ। आपको कोई डाउट हो क्वेरी तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे @medicopathan, medicopathan ओके, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।